नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ मंगल होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी जीवन शैली से कमर दर्द का बड़ा ही करीबी रिश्ता है। सिर दर्द के बाद जो सबसे आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है वो है कमर दर्द। बड़े बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, अब युवाओं को भी कमर दर्द होने लगा है। आखिर क्या कारण है कि हमारी कमर कमजोर हो जाती है, आइए जानते हैं। यूं तो कमर दर्द कभी भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में आशंका ज्यादा होती है। कमर दर्द दो तरह के हो सकते हैं। पहला, अचानक हुआ तेज दर्द यानी एक्यूट पेन, और दूसरा लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द यानी क्रॉनिक पेन। पहला दर्द अक्सर ज्यादा वजन उठाने या गलत तरीके से सो जाने पर किसी नस के खिंचने से होता है, लेकिन दूसरा दर्द लंबे समय तक रहता है और उसका पूरा और सही इलाज जरूरी है। रीढ़ के हड्डी के जो हड्डियां हैं उनके बीच में जोड़ भी होते हैं, तो जो दर्द है वो या तो जो हड्डियां हैं उनमें प्रॉब्लम है उसमें हो सकता है, या फिर जो हड्डियों के बीच के जो जोड़ हैं उसमें दिक्कत है उससे भी दर्द हो सकता है, जो हड्डी के जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके आगे पीछे जो मांसपेशियां हैं लिगमेंट्स हैं उनमें तकलीफ है तो उससे भी दर्द हो सकता है। कमर दर्द की समस्या पहले बूढ़े लोगों को होती थी, लेकिन अब युवाओं को भी होने लगी है। कारण साफ है, गलत लाइफस्टाइल और देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना। गौरतलब है कि गलत तरीके से बैठने उठने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी को भुगतना पड़ता है और बाद में ये बैक पेन का रूप ले लेता है। गौरतलब है कि कमर की बनावट में हड्डियां, कार्टिलेज यानी डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और नसें होती हैं। इनमें से किसी के भी विकार ग्रस्त होते ही कमर दर्द हो सकता है। इसकी शिकार पुरुषों से अधिक महिलाएं होती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कमर की मांसपेशियों की कमजोरी, या दूसरा कारण है कमर की हड्डियों के जोड़ों में विकार होना। कमर का दर्द के बहुत कारण होते हैं, उसमें आर्थराइटिस भी एक कारण होती है। तो बहुत सारी आर्थराइटिस हैं जो कि कमर को, और क्योंकि कमर की जो हड्डियां ना आपस में जोड़ से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में जोड़ है, तो आर्थराइटिस तो किसी भी जोड़ में हो सकती है। तो जो रीढ़ की हड्डी में जो जोड़ है उसमें भी आर्थराइटिस हो सकती है। तो कॉमनली जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एक काफ़ी मतलब देखी जाती है हमारे यहाँ, तो उसमें जो जोड़ हैं वो धीरे धीरे जाम हो जाते हैं, उसमें हड्डी बढ़ जाती और पूरा जोड़ को ख़त्म कर देती, तो वो कमर में हो सकती है, मतलब रीढ़ की हड्डी में हो सकती है। यदि कमर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो रीढ़ की हड्डी में आर्थराइटिस का रूप ले सकता है, लेकिन बार बार यदि कोई इससे पीड़ित होता है तो ये आर्थराइटिस के साथ किडनी या अन्य अंगों से जुड़े रोगों की आशंका को भी बढ़ा देता है। कई दफे ऐसा भी होता है कि दर्द कहीं और है, जैसे आगे पेट में है, किडनीज में है, बट वो महसूस कमर में, मतलब हड्डी में हो रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि हड्डी में दर्द है बट प्रॉब्लम कहीं और है। हालांकि कई मामलों में किडनी का संक्रमण या पथरी के दर्द की शुरुआत कमर दर्द से होती है, नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानियों और रीढ़ की हड्डी में होने वाले इन्फेक्शन भी कमर दर्द के कारण हो सकते हैं। कमर दर्द से डायरेक्टली तो किडनीज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट जैसे कमर दर्द में किसी डॉक्टर ने कोई तेज़ दवाई बता दी, वोवरॉन कॉमनली जैसे बहुत लोग खा लेते हैं, तो वो किडनीज को अगर आप लॉन्ग टर्म खाते हैं बिना चेक कराए, बिना सुपरविजन के बहुत ज़्यादा दिन खा लेते हैं, तो किडनीज को नुकसान कर सकते हैं।
कमर दर्द कई बार स्लिप डिस्क में बदलता है और कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर एक या दोनों टांगों में चलता हुआ महसूस हो तो सियाटिका का दर्द हो सकता है। सियाटिका में प्रभावित टांग में झुनझुनी या सुन्नपन भी हो सकता है। हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, वो आपस में उनके बीच में जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स बीच में भी है जो कि जॉइंट डिस्क बनाता है, दो हड्डियों के बीच में डिस्क बनाती है जॉइंट, और पीछे भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जो हड्डी को बांध के रखते हैं एक दूसरे से। जो शियाटिक नर्व है वो बेसिकली पूरी जो नीचे हमारी टांग है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट नर्व है, तो वो कमर से निकलती है और नीचे उंगलियों तक सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई देती है। तो वो नर्व के जो भी एरिया है, पूरा जो रास्ता है जहाँ वो सप्लाई करती है पूरी थाई, काफ, नीचे पंजे तक, तो उस एरिया में कोई भी दर्द होता है तो उसको लोग शियाटिका बोलते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि कमर दर्द के ये सभी कारण रीढ़ संबंधी बीमारियों को जन्म देते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है स्लिप डिस्क। आखिर ये स्लिप डिस्क क्या होता है, आइए देखते हैं। ये है हमारी रीढ़ की हड्डी जो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 22 सक्रिय भूमिका निभाती हैं। रीढ़ की हड्डी के अलावा हमारी कमर की बनावट में कार्टिलेज, डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और लिगामेंट आदि शामिल होते हैं। जब डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बाहर की जो प्रोटेक्टिव जो लेयर है, जो टायर की तरह है, उसमें दराज पड़ जाते हैं और उसकी वजह से जो अंदर का जो लिक्विड टाइप का मटेरियल है, जेली वाला, वो फिर बाहर निकलने लगता है। और वो जब बाहर निकलता है तो पीछे जो रीढ़ की हड्डी के पीछे नसें जो जा रही हैं उन पे दबाव डालता है और वो फिर दर्द प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम लोग जो है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पर न केवल शरीर का पूरा वजन टिका होता है बल्कि ये शरीर को भी गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। स्पाइन कॉर्ड की हड्डियों के बीच कुशन जैसी एक मुलायम चीज होती है जिसे डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क रबर की तरह होती है जो इन हड्डियों को जोड़ने के साथ साथ इन्हें लचीलापन भी प्रदान करती है। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमने से डिस्क का फैलाव होता है। डिस्क जो है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है कि वो दो पार्ट्स में बना है। एक बाहर की कवरिंग है जिसको हम टायर के तरह मान सकते हैं, और वो टायर वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी सख्त होता है और अंदर का जो हिस्सा है वो काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो वो जैसे लिक्विड, जैसे समझिए कि जैसे कोई जेली हो, उस टाइप का मटेरियल होता है। कमर दर्द से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों में पैरों का सुन्न हो जाना, कमजोरी का एहसास होना, पेशाब में परेशानी, चलने पर पैरों के दर्द का बढ़ना, झुकने या खांसने पर पूरे पैर में करंट जैसा लगता है। वजन आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं अगर आप उसको सही ढंग से उठाएं, और ढंग ये होता है कि आप कोई चीज़ को झुक के ना उठाएं, बैठ के उठाइए। और वही अगर आप झुक के कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वज़न हल्का भी होगा बट आपको
कमर में दर्द होने का और कमर में स्लिप डिस्क होने का नुकसान पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर का पोस्चर ठीक न होने से रीढ़ की हड्डी की संरचना बिगड़ जाती है। हालांकि स्लिप्ड डिस्क के ज्यादातर मरीजों को फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है, लेकिन परंपरागत तरीकों से आराम न पहुंचे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, ये निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। 99% मरीजों को स्लिप डिस्क के केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन की जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है वो बहुत कम है। वो ये है कि अगर स्लिप डिस्क इतनी ज़्यादा हो कि किसी की टट्टी पेशाब रुक जाए या पैरों में वीकनेस आ जाए तो इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा जो है 1000 में एक आदमी को होता है। बाकी लोगों को इसकी वजह से दर्द होता है और दर्द अधिकतर फिजियोथेरेपी दवाइयों से, सिकाई से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है और बहुत कम केसेस होते हैं जो कि इन सब चीज़ों से दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो उन लोगों में भी कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। कमर और डिस्क के दर्द के लिए ओजोन थेरेपी सबसे अत्याधुनिक तकनीक है। ओजोन थेरेपी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक एक घंटे की 6 सीटिंग 3 हफ्ते के दौरान लेनी होती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। स्लिप डिस्क में बहुत लोग क्या करते हैं, जो डिस्क है उसके अंदर एक इंजेक्शन द्वारा ओजोन गैस जो है वहाँ पे डिलीवर करते हैं और वो जो ओजोन गैस है वो फिर उसको जो है ना वो डिस्क के अंदर का प्रेशर है उसको कम करती है और उससे पेन रिड्यूस करती है, तो इस प्रकार से कई केसेस में इफेक्टिव होती है। सर्जरी के बाद दोबारा कमर दर्द होने की आशंका 15% होती है, लेकिन ओजोन थेरेपी में आशंका सिर्फ 3% होती है। इसमें खर्च भी परंपरागत सर्जरी से 1/3 आता है। आमतौर पर युवाओं में पीठ दर्द के पीछे डिस्क प्रोलैप्स कारक होता है, जबकि 40 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों में स्पॉन्डिलाइटिस, कैनाल स्टेनोसिस की समस्या पाई जाती है, जबकि बुजुर्गों में हड्डी में कैल्शियम की कमी से आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस और पीठ के पीछे ज्वाइंट में गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होती है। स्लिप डिस्क बहुत रेयर होता है कि खतरनाक हो, जैसे मैंने बताया कि वो इतनी ज़्यादा डिस्क खिसक जाए कि वो जो नसें जो टट्टी पेशाब को कंट्रोल करती हैं उन पे दबाव आ जाए और किसी के टट्टी पेशाब रुक जाए, तो तब वो खतरनाक हो सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1-800-11-3060 और 1-800-11-3061। दोस्तों, हमारा शरीर है कि मानता नहीं, हम थोड़े से लापरवाह हुए नहीं कि ये किसी ना किसी रोग का शिकार हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी की। दोस्तों, हमारे जीवन में उठने बैठने चाल ढाल का बड़ा ही महत्व है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को अपना ले तो कमर दर्द जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पीठ में होने वाला दर्द आमतौर पर मांसपेशियों, तंत्रिका, हड्डियों
जोड़ों या रीढ़ की अन्य संरचनाओं में महसूस किया जाता है। इस दर्द को अक्सर गर्दन दर्द, पीठ के ऊपरी हिस्से के दर्द, पीठ के निचले हिस्से के दर्द या रीढ़ के आखिरी छोर की हड्डी में कुछ अंतराल पर भी हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। पोस्चर तो इम्पोर्टेंट है, बट जो भी ये कारण होते हैं ना, ये मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, केवल एक पोस्चर अकेले नहीं होता है। पोस्चर के साथ साथ आप जैसे अगर मसल्स आपके वीक हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका पेट भारी है आगे, मतलब उससे भी रीढ़ की हड्डी पे स्ट्रेसेस पड़ता है, आपका सीट अच्छी नहीं है, तो आप बल्कि मतलब परेशान हैं, तो उन चीज़ों मतलब सारी चीज़ें फिर उस समय ज़्यादा कंबाइन करके ना ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव भी कमर दर्द की वजह हो सकता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में बैड हॉर्मोन्स तेजी से बनते हैं और हड्डियों व जोड़ों पर अटैक करते हैं। जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो मतलब नेगेटिव थिंकिंग से प्रभावित भी हैं। कई दफ़े नेगेटिव थिंकिंग से तो आपकी एक्यूट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मतलब जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, दिमाग आपका अलर्ट नहीं होता है, आप परेशान होते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी कोई भी तकलीफ मतलब होने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। क्रॉनिक पेन जो है ना, बहुत मरीज़ आते हैं, वो खुद कहते हैं जब उनके लाइफ में स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा टेंशन है, तो उनको कमर का दर्द ज़्यादा महसूस होता है। अब बात उनके लिए जो माँ बनने की तैयारी में हैं। हालांकि इस दौरान भी कमर और पीठ दर्द होता है, मगर चिंता की कोई बात नहीं, बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी की। गर्भावस्था के दौरान पीठ और कमर दर्द तब होता है जब हड्डियों को जोड़ने वाले मांसपेशियों पर सख्त दबाव पड़ता है। ये दबाव गलत मुद्रा में बैठने और सामान उठाने की गलत तकनीक से भी हो सकता है। गौरतलब है कि 9 माह तक कमर पर पड़ने वाला अत्यधिक भार कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। 9 महीनों तक एक्स्ट्रा वेट लेकर चलना आपकी कमर पर पहले से ही काफी भार डाल चुका होता है। ऐसे में और अधिक वेट लेकर चलने से बचना चाहिए। याद रखें, इस दौरान गलत पोस्चर कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कोशिश करें कि बैठते वक्त आपकी कमर एकदम सीधी हो और इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़ रहा हो। इस दौरान हाई हील्स के चप्पल या जूते पहनने से बचें। सोते समय अपने घुटनों के नीचे तकिया लगाकर सोएं। गर्भवती महिलाएं हैं, उनके कमर में पीठ में बड़ा दर्द होता है, तो इसकी कमी कैल्शियम की कमी से होता है और हार्मोनल चेंजेस से होता है। तो आपको जरूरी है कि दूध खूब पिए जिसमें कैल्शियम आपको पूरी तरह मिले। अपने घुटनों के बीच तकिया लगाकर सोने से भी आप कमर दर्द से बच सकते हैं। सब जानते हैं कि इस दौरान भूख अधिक लगती है, लेकिन अधिक खाने से आप ओवरवेट भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद मोटापे से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें। नियमित व्यायाम से आप पीठ दर्द होने की संभावना कम कर सकती हैं। जो आप खाना खा रहे हैं वो माँ को भी जा रहा है न्यूट्रिशन, और बच्चे को भी जा रहा है, तो इसलिए फिर उस समय कैल्शियम और विटामिन्स और ख़ास तौर से विटामिन डी वगैरह, इनकी मात्रा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ताकि दोनों की रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके, तो इसलिए डाइट पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं, इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई एक्सरसाइज या योग करें। तो चले योग की ओर। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो, मन को शांत रखना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो
तो योग करो। और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो। और मुक्ति चाहिए, अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ। फिर जब जीवन में योग घट जाएगा, आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। आज हम वही कुछ अभ्यास सीख रहे हैं जो पूरे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वो अभ्यास जो अधिकतर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तनाव हो, ये जो मुख्य बीमारियां हैं, मोटापा है, डायबिटीज है, कुछ अभ्यासों के माध्यम से इनको हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं योग का अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी मन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि मन तो सबका बिखरा हुआ है। सिंपल है, सांस भरते हैं, सांस निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ कर रहा हो, जैसे मुंह बंद करके ओम बोल रहे हो। तो सांस भरा हमने, अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे जिससे आपके कानों में बाहर की आवाजें ना जाएं। तीन उंगली आंखों पर रख लेंगे जिससे मन में कोई विचार ना आए। एक माथे पर रख लेंगे जिससे ध्यान यहां पर लगा रहे। ऐसे सांस भर लो, आठ से दस बार करने के बाद आंखें बंद ही रखते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे रहेंगे। मन को शांत करके माथे के बीच में लगाए रखो, कुछ सोचो नहीं, बस बैठे रहो अपने साथ और केवल अपने साथ। संसार का कुछ सोचना नहीं, ख्याल आएगा मन को हटा लेना, वहां से ले आना माथे के बीच में, बैठे रहो, ध्यान हो रहा है। प्राणायाम के बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठने से मन को और ताकत मिल जाती है। उसके बाद हाथों के तले रगड़ें, घर्षण करें और हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लें। आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा होगा, मन शांत हो गया, हथेलियां हटाकर आंखें खोलें। तो ये अभ्यास था जिसको हम रोज करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा फिट रह सकते हैं। बस जरूरत है आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट रोज निकालो और रोज स्वस्थ रहो। सिंपल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं, उम्र कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, इस अभ्यास को किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दर्द को अपना हमदर्द बना लेते हैं। दर्द में जीने की उन्हें आदत से पड़ जाती है, मगर ये अच्छी बात नहीं। दर्द है तो दवा भी है, और दवा से पहले तो डॉक्टर आप ही हैं। यदि आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो मैं आपसे पूछूंगी कैसे हैं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।